मोदी सरकार द्वारा लगातार डीजल पेट्रोल में मूल्य वृद्धि कर इस कोरोना के समय हिंदुस्तान की जनता के ऊपर एक आर्थिक बोझ डालकर एक कहर बरपाया जा रहा है। हम इसका मुखालफत करते हैं, हम इसका विरोध करते हैं और सरकार को आगाह करना चाहते हैं कि पेट्रोल डीजल को जीएसटी के दायरे में लाओ और जो तेल कंपनियों को तुम खुली छूट दे रखा है उस पर रोक लगाओ और पेट्रोल डीजल के मूल्य वृद्धि वापस लाओ, नहीं तो गंभीर परिणाम होंगे। हिंदुस्तान के छात्र नौजवान सड़क पर उतरेंगे और तुम्हारे कलर खोल के रख देंगे, तुम्हारा मुखालफत करेंगे और निश्चित तौर पर आने वाले बिहार विधानसभा चुनाव में इसका नतीजा तुमको भुगतना होगा। प्रमोद प्रभाकर, पूर्व राज्य सचिव AIESEP। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने और उस समय से लेकर अभी तक महंगाई चरम सीमा पर नहीं रहा। अभी वर्तमान समय में जो पेट्रोल और डीजल का जो मूल्य वृद्धि किया गया है, हम इस पुतला धन के माध्यम से मांग करते हैं कि डीजल और पेट्रोल जो मूल्य वृद्धि है उसको वापस लें, अन्यथा इसके लिए हम नौजवान और छात्र मिलकर आंदोलन करेंगे। इसकी सारी जवाबदेही प्रधानमंत्री को होगी। शंभू क्रांति AIYF राष्ट्रीय देश महामारी से त्रस्त है और निश्चित तौर पर इसमें आजाद भारत में आज़ादी के बाद पहली बार पेट्रोल से ज़्यादा डीजल का दाम हो गया है। मैं नरेंद्र मोदी से मांग करता हूं कि डीजल का जो दाम को बढ़ोतरी किया गया है वो GST के अंदर लाया जाए, अन्यथा पूरे बिहार में AIESEP AIF मिलकर के पूरे बिहार में पेट्रोल और डीजल के खिलाफ बड़ा आंदोलन करने को बाध होगा। क्या नाम है? मोहम्मद वसीम उद्दीन, जिला अध्यक्ष मधेपुरा।